वन पीस का एगेड आर्क फाइनली शुरू हो चुका है और हर बार की तरह इस वाले आर्क के अंदर भी हमको टोटली डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल देखने को मिलने वाली है। जैसा कि वानो के अंदर हमको जापान का गोल्डन एरा दिखाया था और इस बार एगेड के ऊपर हमको पूरी की पूरी फ्यूचरिस्टिक सिटी देखने को मिलने वाली है। इसलिए वन पीस के आर्ट स्टाइल के अंदर भी बहुत बड़े वाले चेंजेस होने वाले है। नए एनिमेशन के साथ ही हमको न्यू ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग देखने को मिला, लेकिन इन लोग ने भाई ओपनिंग के अंदर ही पूरा का पूरा एगेड आर्क स्पॉइल करके रखा है। जो जो मेजर चीजें हमको एगेड के अंदर देखने को मिलने वाली थी वो तो इन लोग ने पूरी की पूरी ओपनिंग के अंदर ही डाल दी, जिसके अंदर इन लोग ने शांक्स वर्सेस किड भी दिखा दिया, साथ ही साथ में लॉ वर्सेस ब्लैकबेर्ड भी दिखा दिया और यहाँ तक कि उन लोग ने अपने वेगापंक भाई साहब का भी फेस रिवील कर दिया। और इतना कुछ काफी नहीं था कि उन लोग ने एंशिएंट रोबोट कुमा के सारी की सारी मेमोरीज, लूफी वर्सेस लॉ ब्लूसी सारी की सारी फाइट ही दिखा दी। मुझे पता है कि वन पीस के ज्यादातर फैंस वीकली मांगा पढ़ते हैं, लेकिन जो नॉन मांगा रीडर्स है उनके लिए तो भाई खुद शो वालों ने पूरा का पूरा एगेड स्पॉइल कर दिया। अच्छा हुआ कि इन लोग ने एगेड के जो फाइनल बैटल चल रही है वो नहीं दिखा दी, वरना तो यहाँ पर तो बवाल ही मच जाता। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर तो हमको एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला, लेकिन ये लोग कब जाके भाई वन पीस की पेसिंग को ठीक करेंगे। लिटरली नए साल के पहले एपिसोड के अंदर ही हमको बस 10 से 15 मिनट का मेन मसाला देखने को मिला, बाकी ओपनिंग और एंडिंग को छोड़ दो यार, वन पीस के अंदर तो मेन यही दिक्कत है, इसकी पेसिंग बहुत स्लो चल रही है। मुझे लगा था कि नए साल के अंदर टॉय एनिमेशन वाले पेसिंग को और ज्यादा अच्छा कर देंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ओडा सेंसेई इन लोग को कितने भी चैप्टर लाके दे, लेकिन ये लोग भाई एक चैप्टर के ऊपर एक ही एपिसोड निकालेंगे। चलो लेटेस्ट एपिसोड तो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो स्टोरी के मामले में इतना कुछ आगे नहीं बढ़ाए। इस वाले एपिसोड के अंदर हमको बस लुलुशिया कैसे खत्म हुआ, साथ ही साथ में इमू की थोड़ी सी पावर दिखाई गई जो कि ऑब्वियसली एक एंशिएंट वेपन को यूज कर रही थी। आगे चल के ये वेपन वन पीस के वर्ल्ड में काफी बड़ा वाला एक रोल प्ले करने वाला है, खास करके एगेड के ऊपर जो मदर फ्लेम है। ऐसा बोला जाता है कि जो मदर फ्लेम है वो एक टाइप से एंशिएंट वेपन के फ्यूल का काम करता है, उसी को लेने के लिए और वेगापंक को मारने के लिए सैटर्न एगेड के ऊपर जाता है। अगर देखा जाए तो लुलुशिया कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता अगर साबो अपने कॉल को ट्रैक करने नहीं देता, लेकिन उसके पास में टाइम नहीं था कि वो अपने कॉल को ट्रैक करने से रोके, क्योंकि वो जब मरिजुआ के अंदर गया था कुमा को बचाने के लिए, तभी उसने वहाँ पर फाइव एल्डर्स की पावर्स और साथ साथ में इमू के राज को जान लिया था। अगर ये इन्फॉर्मेशन वन पीस के आउटर वर्ल्ड के अंदर फैल जाती तो भाई इमू का राज नहीं रहता, इसलिए इमू ने पूरे के पूरे लुलुशिया किंगडम को ही भाई वन पीस के वर्ल्ड से मिटा डाला। लेकिन यहाँ पर अभी चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि साबो जो है वो अभी भी जिंदा है और वो आगे आने वाले एपिसोड के अंदर हमको देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो ड्रैगन को इमू समा के पावर्स के बारे में बताएगा। माना कि एगेड आर्क काफी ज्यादा छोटा होने वाला है, लेकिन इस आर्क के अंदर भाई बहुत बड़े बड़े वाले रिवील्स हुए हैं और इसी आर्क के अंदर भाई फाइव एंडर्स और इमू समा कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, उसकी बस एक छोटी सी झलक हमको एगेड के एंडिंग में देखने को मिलेगी। और अभी वन पीस की मांगा तो 2 वीक से ब्रेक पर गई है, अभी फिलहाल वोडा सेंसे को ही पता है कि वो एगेड के एंडिंग के लिए क्या कुक कर रहे हैं। तो आप इस वाले आर्क के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।